मेरे साथ सर जो नितिन जैन था, जो आईआईटी का टॉपर था 2009 का, वो मेरा क्लासमेट था। वो नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। अब इतना हाई उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो चीजों को समझ लेता, वो खेलता था। सही बात है, राइट। और मैं कहना चाहूंगा, आप 12th का बैच ले रहे हो है ना, तो 12th वाले बच्चों ने जो रास्ता ट्रेवल किया है, आई थिंक वो रास्ता आप अच्छे तरीके से वहां पे फेस कर रहे होंगे। यस। तो क्या हुआ, 12th का बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? देखो सर, पता है, मैं ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा। आप में से ना कई लोग शायद अभी कुछ चीजों को लाइटली लेंगे, ठीक है, और ठीक है, मेरे हिसाब से इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खो देते हैं उसमें, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, देखो हंसी मजाक हमेशा होते रहना चाहिए सर, कभी भी सीरियस इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती, ठीक है। और हम लोग सामने भी नहीं है, ठीक है, तो अलग बात है कि हाँ भाई सीरियस पढ़ाना है, तो हम दो तीन क्लास लगातार सीरियस, वो भी 2 घंटे क्लास। यस। तो देखो हंसी मजाक चलेगा, कभी आप सर को तंग करोगे, कभी हम तुम्हें तंग करेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन उस चीज के प्रोसेस में ना, मैंने बहुत सारे बच्चे 12वीं में ऐसे पाए सर, जो हमेशा स्टार्टिंग में आते कहते सर हम लोगों ने 11th खराब कर दी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों को कि ठीक है यार, देखो 11th सर हमारी भी खराब हुई थी, करेक्ट, ठीक है, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता जब हम 12वीं में जाते, लेकिन वो ग्रैब हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप अपने बेसिक्स भी कर रहे हो, जी, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स भी कर रहे हो, आपने डीपीपी लगा ली, अपने मॉड्यूल के कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ वो भी फार मच बेटर हो जाता है 12वीं में। बिल्कुल। आपको अगर लग रहा है ना कि यार सर मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप थियोरेटिकल करो, कुछ बेसिक क्वेश्चन उसके ट्राई कर लो, लेकिन उतना जरूर रखो, क्योंकि आपको ये रहेगा कि नहीं यार मैंने बहुत हाई नहीं करा है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक्स हैं तो मैं 12वीं में जाके परेशान नहीं हूँ। बाद में जब एग्जामिनेशन इनका हो जाएगा ना, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा 12वीं का, फिर उनको भरपूर फिर और तब तक थॉट प्रोसेस बन जाता है। और एक चीज और सर, मतलब ये भी मैं आपसे इनके सामने जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल कुछ एग्जाम्पल ऐसे आए हैं मार्केट में कि मेरी तो 11th खराब थी और मैंने तो 12th में पढ़ के इतनी बढ़िया रैंक निकाल दी, बच्चा खुश हो जाता है, मैं भी खराब नहीं, ऐसा नहीं, 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। देखो ये मैं तुम्हें बहुत क्लियर बता देता हूँ, देखो हर बच्चे की ना जर्नी अलग होती है, ठीक है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब जो बच्चे ने 11th खराब करी, हो भी सकता है सर उसने 9th-10th अच्छे से पढ़ी हो भी सकता है उसका कैलिबर अच्छा हो, थॉट प्रोसेस अच्छा हो। डाटा बता रहा हूँ सर, मान लो 100 बच्चे 11th क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, 100 में से 20 बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, 12th तक पहुंचे, 12th भी अच्छे से गया, इस 20 में से 16 सेलेक्ट हो गए। यहाँ से रेशियो बहुत कम है, बहुत, हाँ बहुत कम। इसमें से कोई अगर एक या दो अच्छी रैंक लेके आ गया तो भाई तुम इसको क्यों देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, 5% है, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे पढ़ने वाले, ये तो अच्छा नहीं, रेशियो है ना। देखो अगर ये चीज ना वही सर सोच के ऊपर होती है, सोच के ऊपर होती है। अब मैं ये भी बोलूंगा, कई जो बच्चे कहते हैं कि मेरी सर 11वीं खराब हो गई, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करते हैं बच्चे, करते हैं, तो तुम आखिरी तक अपना हिम्मत मत हारो, लेकिन यस आपको ये वाला रास्ता देखना है, देखना, क्योंकि उसमें परसेंटेज रेशियो ज्यादा है। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो हर बच्चे के लिए मोटिवेशन सेंटेंस होता है। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो खत्म है उसके लिए भी मोटिवेशन है, जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन है। यस बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा, हाँ, HCV वर्सेस मॉड्यूल, बेटा लड़ाई करवा लो, हमें क्या पता, तुम ये नहीं पूछ रहे कौन सी करनी चाहिए, तुम लड़ाई करवा रहे हो तो करवा लियो। सब बाइसेप्स, अरे भैया कल पता है सर ने मतलब 70-80 तो हो गए थे सर, अरे छोड़ दो सर ने क्या बोलते हैं उसको, पुशअप, पुशअप लगा भाई, हमको तो नाम भी नहीं पता भाई। मैं तो बोला कि मैं भी बना लेता हूँ, लग रहा है आप मोटिवेट करोगे तो मैं जरूर बना लूंगा। सर ने कम से कम 70-80 के आसपास पुशअप लगाए, वो 80 तब थी जब आप लगा तो दो रहे थे, वो काउंट एक कर रहे थे, हाँ, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। हाँ, अब वो ऐसे काउंट एक, मैंने कहा चलो यार। मुझे लग रहा है कल शायद आपकी 100 हो गई होगी, है ना? ना ना, 100 हर्ष नहीं करी थी, उससे कम ही था, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि काउंटिंग गलत थी। बिल्कुल, पंकज सर थोड़ा गलत गिन रहे थे, वो एक्चुअली जो आपके कंपटीटर थे उनके हिसाब से गिन रहे थे। हाँ, वो थोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, और करो भाई पढ़ाई करो, मिलेंगे बहुत जल्दी। कह रहा बाइसेप दिखाओ सर, मैं नहीं दिखा रहा भाई। मैं दिखाऊंगा 3-4 महीने के बाद। हाँ सर, सर ने भी अभी बोला है कि सर जिम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा सर कर लो, सही रहेगा। हाँ यस सर, 11th इजी है, 12th इजी है, 12th इजी है, उसके रीजन है, 12th तक आपका टेम्परमेंट बन जाता है, और डेवलप हो जाता है। अभी आपको जो एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को टफ लगेंगे ना, 12th में लगेंगे यार इनके लिए मैं रो रहा था। सही बात है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपका खून पी रहे होंगे, बहुत गंदा खून पीते हैं। लेकिन यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड ऐसा था जिसने मुझे बचा लिया। किसने? वो कौन सा वर्ड था भाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ना ना ना, यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा कौन सा अल्फाज था, टाइप करके बताइए को। बच्चों ने कद्दू गैंग लिख के भाई साहब भर रखा था कि ये तो कद्दू, हटाओ साइड में इसका। ये तो मुझे भी पता है।
जो तुम्हारा जोश होता है ना, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो दसवीं क्लास का जोश होता है, देखो यार कई सारी चीजें ना, फिजिक्स का वो वाला चैप्टर अगर आप हटा दो ना, वो बिल्कुल बाद में पढ़ोगे ट्वेल्थ के बाद, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। अच्छा उधर देख के बोलना है क्या? मैं इधर देख के बोलना। ट्वेल्थ क्लास के बाद अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन करोगे ना, ज्यादा इम्पैक्टफुल। और सर उसके एडवांस तक क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यस उसका टाइम ना बाद में, इतनी सीरियसनेस पहले डाल देता है बच्चा। और हमारा सिलेबस का वो क्या होता है, सीक्वेंस भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही नहीं सकते। यस हाँ, तो कद्दू गैंग इज रेडी, रेडी पूरा स्पैम कर रहा है। बेटा कुछ और पूछना है तो पूछ ले, अपने सारी दिल की ख्वाहिशें कर ले पूछ। हाँ भाई ये फिर मत कहना। हाँ और हाँ। कोई चीज आपको पूछनी है? बिल्कुल सर। हाउ टू मैनेज स्कूल? बेटा प्रिंसिपल बनना पड़ेगा तेरे को। स्कूल तो मैनेज प्रिंसिपल ही करता। स्कूल मैनेज तो प्रिंसिपल करता है, तो अब तू एक काम कर, स्टूडेंट छोड़ बन जा, वो स्टूडेंट रहना छोड़ दे, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर, ठीक है? और अगर तेरा हो जाएगा तो स्कूल मैनेज हो जाएगा, तो बहुत ही बड़े जॉब मिल जाएगी आपको। हाँ और क्या, और पीडब्ल्यू मैनेज करना है तो लक्सर की कुर्सी पे बैठ जाते जाके। पीडब्ल्यू और स्कूल दोनों मैनेज करना है तो यही हो सकता है भाई। हाँ और कोई तरीका नहीं है। अरे देखो भाई, देखो टाइम की ना कमी सबके, देखो सबके ना लर्निंग का स्पीड अलग होता है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को, कुछ को बहुत टाइम लगता है, कुछ घिसने के बाद पकड़ जल्दी भूल भी जाते हैं। हाँ जल्दी भूल भी जाते हैं, रिटेंशन पावर अलग होता है। तो आपको अपना टाइम मैक्सिमाइज करना है। देखो यार कोई फिक्स नहीं होता कि 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे साथ सर जो नितिन जैन था, जो IIT का टॉपर था 2009 का, वो मेरा क्लासमेट था, वो नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। अब इतना हाई उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है, वो चीजों को समझ लेता था, वो खेलता था, सही बात है। राइट, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर आ गए हो, और उसके बाद खेलना स्टार्ट कर दो, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपना टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये अगर आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आपको बैठना ही पड़ेगा, सिंपल, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर भाई। क्लियर? यस।